उस बायोस्कोप में आप सभी का स्वागत है। भारतीय हॉकी मैच फाइनल मुकाबला होना है जापान के साथ और उसके लिए हर कोई अब मैच का इंतजार कर रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर्स एक करिश्मा करके दिखाएंगी। और झारखंड में जो एक मैच का आयोजन हुआ है वहां वो पदक जीतकर अपने नाम विनर बनकर चैंपियन बनकर दिखाएंगी, क्योंकि हर मैच में भारतीय हॉकी टीम ने अब तक जीत हासिल की है। राकेश रंजन जी हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। राकेश जी, मुकाबले को लेकर कहां तक तैयार हैं? लोग तो खूब तैयार हैं कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और भारत जीत दर्ज करेगी। जी हाँ, लोगों की उम्मीद तो यही है, लेकिन जापान की टीम को भी आप कमजोर नहीं मान सकते। वो डिफेंडिंग चैंपियन है। 2021 में जब वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो जापान की टीम ही चैंपियन बनी थी और फाइनल में उसने कोरिया को शिकस्त दी थी। इसके अलावा अगर आप देखें कि इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो लीग मैच में जो है वो जापान की टीम वो चीन से हार गई थी, लेकिन उसका हिसाब उसने सेमीफाइनल में चुकता कर दिया। तो आपको कहना होगा कि जापान की टीम भी सही समय में खुद को पिक कर रही है। हालांकि जो लीग मैच भारत के साथ उसका हुआ था उसमें जापान की टीम जो है जीत दर्ज नहीं कर सकी थी और उसे हार का सामना करना पड़ा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसने थाईलैंड को और मलेशिया को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया था और इसके अलावा कोरिया से भी उसने मुकाबला जीत लिया था। तो एक कॉन्फिडेंस जो है उसके पास भी है और खास करके जो शनिवार को सेमीफाइनल हुआ, जो कि पहला सेमीफाइनल जापान और चीन के बीच हुआ था जिसमें जापान ने 2-1 की जीत दर्ज की, उसमें भी जापान की टीम पीछे चल रही थी। पहला गोल चीन ने किया था। तो इतने बड़े मैच में जो कि सेमीफाइनल जैसा मैच है वहां पीछे से आकर जब आप गोल करते हैं तो ये बताता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप भी मानसिक रूप से मजबूत हैं और आप इस बड़े मैच के लिए तैयार हैं। तो जो मुकाबला होगा भारत और जापान के बीच में वो मानकर चलिए कि कांटे का मुकाबला होगा, बराबरी का मुकाबला होगा। हालांकि जो एक एडवांटेज साइकोलॉजिकल भारतीय टीम के पास है कि अभी जब एशियन गेम्स में भारतीय टीम गई थी तो वहां पर जो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला हुआ था वो भारत और जापान के बीच ही हुआ था और उस मैच में भारत ने जो है वो जापान को शिकस्त दी थी। और उसके बाद जब फिर यहां पर जो है रांची में एशियन वेमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में जो राउंड रॉबिन लीग में भारत और जापान का मुकाबला हुआ वहां पर जो है भारत ने जापान को फिर एक बार 2-1 से पराजित किया। तो ये जो दो बैक टू बैक जीत भारत के नाम है इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा और दूसरी तरफ जापान के ऊपर इस बात का एक दबाव होगा क्योंकि उसे अपने खिताब की रक्षा करनी है। तो जिसके ऊपर कुछ रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है दबाव उसके ऊपर ज्यादा होता है। तो नेचुरली जो है वो दबाव जो है कोरिया माफ कीजिएगा वो जो दबाव है वो जापान की टीम के ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम जो है अपने घर में खेल रही है, रांची में मुकाबला हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कितना जन समर्थन जो है यहाँ पर भारतीय टीम को मिल रहा है। तो कई बार मैं कहता हूँ कि 11 खिलाड़ी तो फील्ड में खेलते हैं लेकिन जो 12th प्लेयर है वो स्टेडियम में बैठा होता है और वो जो शोर मचाता है, तो आप 11 से नहीं खेल रहे होते, वो 12वां खिलाड़ी आपके साथ जुड़ जाता है। होता क्या है कि जब भी अटैक बनता है, जब भारतीय टीम आक्रमण पर जाती है तो दर्शकों का एक शोर उभरता है उसके पीछे और इंडिया इंडिया का नारा लगता है, उससे खिलाड़ियों में तो ऊर्जा आती ही है। जो सामने वाली टीम होती है वो प्रेशर में आती है, उस दबाव को झेलती है। तो इसलिए अगर आप देखें तो जो फाइनल मुकाबला है उसमें मुझे भारत का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। एक तो ये कि भारत मेजबान है, अपने घर में खेल रहा है, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपने जो है बैक टू बैक दो मैचों में जापान को शिकस्त दी है तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके पास है। और इसके अलावा अगर आप स्किल की बात करें तो वहां भी भारतीय टीम जो है वो जापान पर इधर रिसेंट पास्ट में भारी पड़ती दिखी है। जो भारत का मिडफील्ड है वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और सलीमा टेटे जिस तरह से गेंद को लेकर भाग रही है, जो उनकी स्पीड है और उसके साथ उस स्पीड के साथ जो उनका बॉल पर कंट्रोल है वो मतलब लाजवाब है। इसके अलावा संगीता जो कि वो भी झारखंड की खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने खेल में बहुत सुधार किया है और मैं इस चीज को दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दशक में आप मान कर चलिए कि संगीता अगले 8-10 सालों तक भारतीय टीम की सेवा करेंगी और वो फॉरवर्ड लाइन को लीड करेंगी। तो इस तरह की खिलाड़ी हैं। अनुभवी वंदना कटारिया वहां संगीता का साथ देने के लिए हैं। लालरेम सियामी
मतलब वो भी इलेक्ट्रिफाइंग है, किस तेजी के साथ वो गेंद लेकर भागती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो भारतीय टीम को मजबूत बनाता है और लगता है कि भारतीय टीम जो है फाइनल में जापान के ऊपर भारी पड़ सकती है। लेकिन अब ये चूंकि फाइनल मुकाबला है तो ये भी देखना कि कौन सी टीम प्रेशर को बेटर ढंग से हैंडल करती है, क्योंकि इस तरह के मुकाबले में जो है आपके ऊपर दबाव बहुत होता है, बड़े मैच का एक अलग प्रेशर होता है। और ये देखना होगा कि इनिशिएट कौन करता है, क्या भारत अपने खेलने का ढर्रा वही रखता है जैसा उसने पूरे टूर्नामेंट में रखा है, मतलब राइट फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम वहां से जो वो अटैक करना शुरू करता है, वो थ्रू आउट 60 मिनट तक अटैक करता रहता है, भले क्वार्टर कोई सा भी हो, उसने कितने भी गोल कर लिए हो वो अटैक पर अटैक कर रहा है। तो ये अगर टेम्पो बना रहा और डिफेंस में अगर दीप ग्रेस एक्का, निक्की प्रधान, उदिता इशिका अच्छा प्रदर्शन करती रही तो मिडफील्ड तो लाजवाब खेल ही रहा है, फॉरवर्ड लाजवाब खेल ही रहा है, गोलकीपर तो दुनिया में बेस्ट में उनकी गिनती होती है सविता पुनिया की। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो टीम जो है वो भारत की मजबूत दिख रही है और लगता है कि भारत जो है फाइनल जीत सकता है। दूसरी बार जो है वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है वो भारत के पास आ सकता है और वो ताजपोशी जो है रांची में होगी, ऐसी हम सभी की उम्मीद है, ऐसी हम सभी की कामना भी है। चलिए तो इंतजार अब बस कुछ ही घंटों का है और भारतीय टीम से यही उम्मीद है हर किसी को कि जीत का तोहफा मिलेगा और एशिया कप, एशियन कप, विमेंस हॉकी कप ये भारत के खाते में आएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।